आज हम इस वीडियो में ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो ये डिजाइन मैंने कैसे बनाया, तो आज की वीडियो में आपको ये डिजाइन सिखाऊंगी मैं। और बैक साइड से ये ऐसे बनेगा। ये हमारा डिजाइन, आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में बना रहे हैं तो इसे 13 के मल्टी में फंदे लेंगे, और 3 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाने के लिए 3 फंदे लेंगे, 2 फंदे हमारे एस स्टिच के। 13 फंदों पे हमारा डिजाइन बनेगा। 13 फंदों पे ये आप मल्टी में ले लें, और 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा फंदे हो जाएंगे, और 2 फंदे हमारे एस स्टिच के। वैसे ये डिजाइन हमारा जो 10 फंदों पे बनेगा, और ये 10 रो पे ये डिजाइन बनेगा। इतना डिजाइन है, फिर यहाँ से इतना शुरू यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 में 8 तो सीधे बना लेने, और 9वीं रो पे हमारा डिजाइन बनेगा। ये कुल हमारा 10 रो का ये डिजाइन है। तो इस डिजाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अब जब भी डिजाइन बनाओ तो 10 फंदे डिजाइन के लिए, और 3 फंदे यहाँ पे हम उल्टे बनाएंगे, 3 इस साइड छोड़ेंगे। तो वैसे हमारा 13 के मल्टी में ये डिजाइन बनेगा। आप जिस प्रोजेक्ट में भी बनाएंगे तो 3 हमारे यहाँ पे लास्ट में 3 फंदे बनाने हैं हमें, और 2 फंदे हमने एस स्टिच के लिए लेने हैं। तो 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बनेंगे, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बनेंगे, 10 पे ये हमारा डिजाइन बनेगा। तो पहला फंदा एस स्टिच का, उसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 1 फंदा हमारा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे 1 एस स्टिच का 3 हमारे उल्टे फंदे हो गए। तो ये यहाँ तक हमारा 10 फंदों का हमारा ये डिजाइन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, 10 का ये। उसके बाद फिर 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 धागा दूसरी तरफ, लास्ट का एस स्टिच का। और दूसरी रो में जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाने हैं हमें। जैसे सीधी साइड में हमारे जो फंदे उल्टे हैं वो यहाँ सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे हैं यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहला फंदा हमारा एस स्टिच का, उसके बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। तो 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने थे, तो 3 हमारे यहाँ पे सीधे हो जाएंगे। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे ये सीधा बुना था, तो वो हमारा उल्टा हो जाएगा, धागा दूसरी तरफ। वैसे ये दिख भी रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 2 फंदे हमारे इस साइड में उल्टे हैं, तो ये 2 सीधे बनाने हैं हमें। तो जितनी रो हमें बनानी है, जैसे हमें फंदे दिखेंगे उल्टी साइड में, हमें वैसे ही उन फंदों को बुनना है। सीधा एक उल्टा बना दिया, अब यहाँ पे 2 सीधे बनेंगे हमारे, 1 2 तक अपनी तरफ, यहाँ पे हमारा सीधा है तो ये उल्टा बनेगा, धागा दूसरी तरफ, ये फंदे 3, ये फंदे 3 सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें सीधे बुन लेंगे बैक। और सीधी साइड में ये 3 फंदे हमारे उल्टे बुने हुए हैं, और लास्ट का एस स्टिच का इसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। तो अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं, पहला एस स्टिच का, उसके बाद 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। जैसे पहली सिलाई बनाई थी उसे वैसे ही हमें बनाना है। 3 फंदे उल्टे बना लिए, फिर 1 फंदा सीधा, तक अपनी तरफ,
दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, और लास्ट का एस स्टिच का सीधा फंदा बनाकर, तो उल्टी सिलाई बनाकर मैं आपको चौथी, फिर मैं आपको पांचवी सिलाई बताती हूँ। अब हम पांचवी रो पे आ गए हैं, तो पांचवी रो भी हमारी पहली रो की तरह ही बनेगी। पहला फंदा एस स्टिच का उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे हमारे, एक दो, तीन फंदे उल्टे बनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, और लास्ट का एस स्टिच का फंदा तो बनाकर फिर मैं आपको उल्टी सिलाई बना लूँ। मैं छठी सिलाई सातवीं सिलाई पे मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बन रहा है। अब हम सातवीं सिलाई पे आ गए हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा ये डिजाइन। तीन हमारे उल्टे बन गए, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टे, एक सीधा, फिर दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, फिर तीन उल्टे। तो चार बार हमारे ये सीधे बने हैं और बीच में एक दो तीन बार हमारे ये उल्टे बने हैं। तो मैं आपको ये डिजाइन बता देती हूँ सातवीं सिलाई पे। पहला फंदा हम एस स्टिच का उठा लेंगे, तीन फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, एक दो और ये तीन, और तीन, और जो हमारी ये डिजाइन 10 फंदों का है, इसमें से हमें 6 फंदे उठा लेने हैं, एक एक और ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये 6 फंदे मैंने उठा लिए, एक सीधा फंदा, दो उल्टे फंदे, एक सीधा, दो उल्टे, तो ये 6 फंदे हमें उठा लिए। और बाकी फंदों को जो ये वाले हैं यहाँ तक, जो ये सीधा फंदा है, एक दो तीन चार, चार फंदे बच्चे, इन्हें हमें बुन लेंगे। पहला फंदा हमारा सीधा है, उसे सीधा बुन लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, जो फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दो फंदे हमारे उल्टे हैं, ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे, एक दो, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये चौथा फंदा हमारा सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे हैं, पहले शुरू के दो जो उल्टे फंदे हैं इन दोनों को उतार लेंगे, एक और ये दो, इन दो को उतार, इन चारों को नहीं उतारना है, दो फंदे ही हमें उतारने हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को उल्टों को बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इन दोनों को बुन लेंगे, एक और ये दो उल्टे फंदे हैं, इन्हें हमें बुन लिया। अब ये 6 फंदे जो हमें उतारे थे, दो तो हमने बुन लिए, अब 4 फंदे रह गए। अब इन 4 फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो तीन और ये 4। अब यहाँ पे हमने दो उल्टे फंदे बुने थे, तो अब यहाँ पे सीधा फंदा है ये वाला, ये फंदा हमारा ये सीधा है, ये जा रहा है, इसे सीधा बुनना है। उसके बाद हमारे ये दो उल्टे फंदे हैं, एक और ये दो, इन दोनों को बुन लेंगे, एक और ये दो, और लास्ट का हमारा सीधा फंदा है, इसे सीधा बुन लेंगे, तक अपनी तरफ किया, तीन फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, लास्ट का एस स्टिच का सीधा। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको नौवीं सिलाई पे डिजाइन बताती हूँ। आठवीं सिलाई हमारी उल्टी है, इसे मैं बना लूँ, फिर
फिर नौवीं सिलाई पे मैं आपको बताती हूँ। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने 6 सिलाई बनाई थी अब ऊपर हमने 8 सिलाई बनानी है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, पहला फंदा एस स्टिच का उतार लेंगे, तीन फंदे हमारे, एक दो तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। जो पहली सिलाई हमने बनाई थी, पहली और दूसरी सिलाई, उसी को रिपीट करते हुए हम 8 सिलाई बना लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने फंदों को ये पलटा है इधर उधर, तो इन्हें दोबारा फिर हम नौवीं सिलाई पे ऐसे इनका दोनों इन फंदों का हेयर बदल कर देंगे। पहले मैं 8 सिलाई बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे डिजाइन बता दूँगी, क्योंकि हर 8 सिलाई बनाने के बाद नौवीं सिलाई पे हमने इन फंदों का हेयर बदल करना होगा। तो ये मैं 8 सिलाई बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नौवीं सिलाई पे डिजाइन बताती हूँ। तो 8 सिलाई हमारी ये बन गई है। अब हम नौवीं सिलाई पे, जैसे हमने यहाँ पे फंदों का हेयर बदल किया था, वैसे दोबारा से हम यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे। 8 रो बनाने के बाद नौवीं रो पे हमें ये फंदों को बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार, 6 फंदे हमारे यहाँ पे पहले इस सिलाई में उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला फंदा सीधा, दो उल्टे हो गए, 3 फिर सीधा, 4 फिर दो उल्टे, 6। तो 6 फंदे हमने उतार लिए। हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे बचेंगे, यहाँ पे 4 फंदे बचेंगे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा। उसके बाद यही डिजाइन हमारा जो ये बना हुआ है, वापस ये फंदे इधर आ जाएंगे तो डिजाइन बन जाएगा। तो ये दो उल्टे फंदे हैं जो ये हम पहले से उतारेंगे, तो यहाँ सीधे के साथ बन जाएंगे दो, और उसके बाद फिर एक हमारा सीधा फंदा, दो उल्टे, एक सीधा, वैसे ही दोबारा यहाँ पे जैसे ये डिजाइन बना है यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब 6 फंदे हमने उतार लिए। अब जो ये हमारे फंदे बचे हैं, 4 एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, तो पहले सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो धागे को हम दूसरी तरफ कर लेंगे, पहला हमने सीधा फंदा बुन लिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लिया, दो फंदे ये उल्टे बुन लिए। ये सीधा फंदा मैं दोबारा बुन लूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये दोबारा सीधा फंदा बुन के फिर दो फंदे उल्टे बना लेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे ये उल्टे बना लेंगे, 1 और ये 2। धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, तो ये सीधा फंदा बुनेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अब सीधे के बाद दो फंदे हमारे उल्टे बनते हैं, तो ये दो फंदे हम उल्टे उतार लेंगे, पहले 1 और ये 2, दो फंदे उल्टे उतार लिए। अब यहाँ पे हमने सीधा बुना था, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तो दो फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे बन गए, 1 फंदा और ये 2 फंदे उल्टे बन गए। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये सीधा फंदा उतार लेंगे, दो उल्टे, फिर उल्टे, फिर एक सीधा फंदा। तो हमने यहाँ पे दो उल्टे बुने थे, अब यहाँ पे हमारे पास सीधा फंदा आ गया है। तो धागा अपने दूसरे भी रखेंगे, फिर सीधा फंदा बुन लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे हमारे उल्टे बुनेंगे, 3 लास्ट का एस स्टिच का। तो उल्टी सिलाई में आपको यहाँ इसकी मैं बता देती हूँ, वैसे ऐसे बनेगी उल्टी सिलाई हमारी, एक फंदा
पहला स्टिच का उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, ये साइड में सीधा फंदा है, ये देखें ये सीधा फंदा है, तो इसे उल्टा बुन लेंगे। धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, एक और ये दो, इन दोनों को सीधा बुन लेंगे, तो ये दो सीधे बना लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, तो इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर दो फंदे ये सीधे दिख रहे हैं, दो सीधे बुन लेंगे, एक और ये दो, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। और ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है ये वाला, तो इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर ये दो सीधे फंदे दिख रहे हैं, एक और ये दो, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर एक ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। तीन फंदे ये सीधे दिख रहे हैं, इन्हें तीनों को सीधा बुन लेंगे। फिर वैसे ही रिपीट कर लेंगे जैसे हमने आठ सिलाई बुनी थी, नौवें पे फंदों का हेर बदल किया था, वैसे ही रिपीट होती जाएंगी ही। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बन रहा है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।